हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू अनदर वीडियो। आज मैं फिर से आया हूँ अपने दोस्त के सेटअप पे एंजल फिश लेने, और यहाँ पे इन्होंने कुछ न्यू फिशेस भी ऐड की हुई हैं, जैसे कि ये बलून मोली। माशाल्लाह, बलून मोली का बड़ा ही कोई बेहतरीन साइज़ है। वीडियो में शायद साइज़ का पता ना लगे, मगर ये वाकई में बहुत ही मतलब मोटी ताज़ी है। माशाल्लाह, ये इनके पास एक नई वैरायटी है, और मैं इनके पास जो मेरा जो आने का मकसद है इनके पास मेरे पास आने का मकसद है ये एंजल फिश। एंजल फिश में लेने के लिए आया हूँ इनके पास, क्योंकि मेरे पास जितनी भी एंजल फिश थी वो तकरीबन तमाम सोल्ड आउट हो गई। वो मेरा एक्वेरियम एंजल का भी खाली है, तो मैं भी ये वाली एंजल फिश इनसे ले जाऊँगा और अपने एक्वेरियम में कर दूँगा। सारी ले जाऊँगा आज मैं इनसे एंजल फिश जितनी भी इनके पास है। अच्छा अयाज भाई, एक ही थैली में डालेंगे सभी, अलग अलग डालेंगे? एक ही में डालेंगे जी। कलर मुझे थोड़ा सा जो है ना, पिछली दफा वाइट वाइट लग रहा था, अभी थोड़ा येलो येलो सा लग रहा है। पानी येलो? हाँ, पानी येलो है। अच्छा नहीं, ये मछली भी येलो हेड है सारी। ये मछली भी येलो हेड है। अच्छा, और वो हमारे पास जो व्हाइट वाली हम लेके गए, ये व्हाइट है, ये जो घूम रही है। अच्छा, ये व्हाइट है और वो येलो है, इस तरीके से व्हाइट है, कुछ येलो हेड है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये वाइट बनेगी पूरी, ये येलो हेड नहीं है। ये येलो हेड नहीं है। अच्छा, ये क्वालिटी नहीं है। चलें, सही है। एक इसमें एल्बिनो भी होती है, वो रेड आई होती है। अच्छा, वो रेड आई होती है। पता नहीं ना हमें इतना मछलियों के बारे में। हमें पता सर, और एंजल के बारे में तो भी बिल्कुल बच्चे हैं हम अभी। ये वाला खाली हो गया जी? खाली हो। कितनी डाली आपने उसमें? ऐसे 8 है फिर भी। अच्छा, सात है। सात है। इसमें देखें, इसमें कितनी है? सात। सात और तीन 10। अच्छा, ऐसे मुझे बताओ इसके साथ फ्री गिफ्ट क्या दे रहे हो? ये ग्रास सारी, ये प्लांटेड की फिश है। ग्रास से जो ऊपर जो लगी हुई है, उसकी वजह ये है कि ये प्लांटेड की फिश है, थोड़ा बहुत प्लांट होना जरूरी है। मैं तो बोल रहा था बलून मोली मुझे कि फ्री गिफ्ट। बड़ी प्यारी लग रही है सारी बलून मोली। 15 ये देखें, माशाल्लाह। इसको मतलब मैं जब जब देख रहा हूँ ना इस बलून मोली को, मेरे मुंह से बर्जस्ता माशाल्लाह निकल रहा है। बहुत प्यारा बलून है इसका। कितनी हो गई आजभाई? पूरी हो गई 15 पीस। और हम खाली कर दिए भाई हमने आज भाई। ये भी खाली हो गया, ये भी खाली हो गया। नहीं थे वैसे भी गिने हुए थे मेरे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो फाइनली हम अपने घर पहुंच गए, अपने एक्वेरियम के सेटअप पे पहुंच गए। बेसिकली घर नहीं, मैंने एक अलग से जगह ली हुई है जहाँ पे मैं ये अपने सारे एक्वेरियम और फिशेस वगैरह रखता हूँ। तो अभी हम फिश को अपने एक्वेरियम में ऐड कर रहे हैं। अच्छा, वाटर मैंने टेम्परेचर जो है थोड़ी देर तक, 15-20 मिनट तक थैली एक्वेरियम के ऊपर रख दी, ताकि टेम्परेचर थैली के अंदर का पानी का और बाहर हमारे एक्वेरियम के पानी का सेम हो जाए ना। तो अब हम इसमें डाल रहे हैं। अच्छा, आप इसमें देख रहे हैं कि मैंने थैली जो है डायरेक्ट उंडेल दी एक्वेरियम को, है ना? तो थैली का पानी भी एक्वेरियम में आ गया। अच्छा, मगर जब हम एक्वेरियम शॉप से लेकर के आएंगे ना ये फिशेस, तो उस पर हमें डाउट होता है पानी का, तो वो हम पानी एक्वेरियम में डायरेक्ट नहीं डालते, ठीक है? तो वो हम क्या कहते हैं, मछली को फिश कैचिंग नेट के अंदर पहले निकाल लेंगे ताकि पानी निकल जाए उसका सारा, फिर वो डालेंगे एक्वेरियम के अंदर। वाला पानी हम ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि उस पानी के अंदर कुछ बैड बैक्टीरियाज हो सकते हैं, डाउट होता है, तो भी चांस नहीं होते, हमारी कीमती है, ठीक है जी? और बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो ख़त्म करते हैं यहाँ पर। अल्लाह हाफिज़।